अस्सलाम वालेकुम फरीदा वालेकुम जी, सलाम। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र है मालिक का। आप इनके बारे में बता रही थी कुछ। इनकी तबीयत सही नहीं है, जैसे पैदा हुआ है ना ये ऐसा कैसा ही, जैसे हम इसकी दवाइयाँ लेते थे, पाउडर वगैरह लिख के दिया था, हमने अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने छोड़ दी। हमें शोर का काम नहीं है 6 महीने से, वो बेरोजगार है। मैं काम पे जाती हूँ उसको छोड़ के, 6,000 कमा के आती हूँ, 6,000 में क्या होता है, 10,000 किराए का घर है, किराया भरते हैं, बिजली के बिल चढ़े हुए हैं 4-5 महीने से। हम ये इंतज़ार करते कि पड़ोसी देगा तो हम खाएंगे। मेरे बच्चे भी यही बोलते हैं, मम्मा खाना चाहिए। मैंने बोला बेटा थोड़ी देर सब्र करो, आ जाएगा। आपके पड़ोस वाले अगर खाना देते हैं तो आप लोग खाना खाओ? खाना खाते हैं हम लोग, काम भी मेरे शोर को नहीं मिलता, कहीं मजदूरी पे जाता है 200-300-500 लेके आते हैं, 500 में से कुछ नहीं मिलता। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज प्लीज आप इनकी हेल्प, इनको सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे आके बैठा है जो है ना, बहुत मुश्किल काम है ये, आसान काम नहीं है। आप समझ लें कि ये किसी इंसान की बस होगी ना तो ही वो यहाँ पे आएगा और आपसे अपनी दिल की बात या अपनी स्टोरी जो है वो शेयर करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम मुनीर खान। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और आज हमारे पास एक बहुत प्यारी सी गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है फरीदा। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीदा वालेकुम जी, सलाम। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र है मालिक का, बस ये ठीक हो? परेशान ठीक है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा है आपका? हाँ ये मेरा बेटा है, 1.5 साल का है, 1.5 साल का डेढ़ है। साल का है, अच्छा, क्या नाम है? मोहम्मद जोहान। मोहम्मद जोहान। आप इनके बारे में बता रही थी कुछ। इनकी तबीयत सही नहीं है, जैसे पैदा हुआ है ना ये ऐसा कैसा ही, जैसे हम इसकी दवाइयाँ लेते थे, पाउडर वगैरह लिख के दिया था, हमने अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने छोड़ दी, सही। तो नहीं पिला सके इसको हम, जब से ये बढ़ता ही नहीं, इतना का इतना ही। अच्छा। हमें शोर का काम नहीं है 6 महीने से, वो बेरोजगार है। मैं काम पे जाती हूँ उसको छोड़ के, 6,000 कमा के आती हूँ, 6,000 में क्या होता है, 10,000 किराए का घर है, किराया भरते हैं, बिजली के बिल चढ़े हुए हैं 4-5 महीने से। और आपका ये एक ही बेटा है? नहीं मेरे 4 बच्चे, चार बच्चे हैं, चार बच्चे, बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, हाँ ये सबसे छोटे हैं। ये सबसे छोटा है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं इनके बारे में कि ये डॉक्टर बोलते ठीक इनको, हो जाएंगे? बोला हाँ इसकी दवाइयाँ पिलाओगे टाइम पे तो ठीक रहेंगे, मगर हम दवाइयाँ ही नहीं ले सकते, महंगी है, महंगी खरीदनी दवाइयाँ हैं। पड़ेगी। हाँ हाँ पाउडर, दूध के डब्बे हैं, दूध के डब्बे अफोर्ड नहीं। हम किराए, हम खाने का इंतज़ार करते हैं कि कोई पड़ोसी के घर से खाना आ जाएगा, वो खाएंगे। हम अल्लाह, यकीन करो कुछ भी नहीं हमारे पास, हमारे घर में चूल्हा ही नहीं जलता है। हम ये इंतज़ार करते कि पड़ोसी देगा तो हम खाएंगे। मेरे बच्चे भी यही बोलते हैं, मम्मा खाना चाहिए। मैंने बोला बेटा थोड़ी देर सब्र करो, आ जाएगा। आपके पड़ोस वाले अगर खाना देते हैं तो आप लोग खाना खाओ? खाना खाते हैं हम लोग, काम भी मेरे शोर को नहीं मिलता, कहीं मजदूरी पे जाता है 200-300-500 लेके आते हैं, 500 में से कुछ नहीं मिलता। पड़ोस जो है आपके वो अच्छे हैं? जैसे हाँ पड़ोसी अच्छे हैं, खाना वाना दे देते हैं हमको, जो बचता है वो दे देते, तो हम लोग वही खाते हैं। और वो आपको कितने वक्त का दे देते हैं खाना? बस एक वक्त एक खाते हैं, हम वक्त दोपहर का नहीं खाते, झूठ नहीं बोलेंगे हम, दोपहर का हम खाना ही नहीं खाते, हम लोग खाली रात का खा के सोते हैं। तो भाई, जो मतलब जो आप जो आपके जो हस्बैंड हैं, जिससे अगर वो 500 रुपये कमाते हैं तो उसमें दाल कुछ क्या क्या वजह बन जाती है कि खाना नहीं बन घर पाना? में राशन नहीं, तेल वगैरह नहीं आ सकता, आपका 500 पाँच में सौ में तो कुछ नहीं भी है? नहीं हाँ आ सकता, तो अब इससे मेरे 5 महीने से तो ये जा ही नहीं रहे, कहीं से बारीक वापस आ जाते। क्या बोला काम है नहीं, करते हैं? मजदूरी है, मजदूरी है। मजदूरी करते हैं, तो कभी गांव में कभी नहीं, अलग के कुक के मेरे शोर, कहीं नौकरी नहीं मिलती है, कहीं नौकरी मिल जाए तो अच्छा, हमारा कुक अच्छा है, खाना वाना खाना बना लेते बना हैं। लेते हैं। हाँ कुक है आपने रोना बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल वक्त है गुजर जाएगा, कहते जी। हैं ना हर परेशानी के बाद एक अच्छा वक्त आता है। अभी आपने बताया कि जो आपके हस्बैंड है वो खाना बना लेते जी हैं, जी अगर उनको बना ले कहीं ऐसी जॉब मिले जो जी। लोग सब ये शो देख रहे हैं तो उनको जॉब पे रख लें तो वो अच्छे से खाना भी बना के दे जी देंगे खाना और आप लोग हलाल रोजी भी मिल जाएगी आपको। रोज एक तो ये भी जरिया बन जाएगा। दूसरा, आप क्या करती हैं? मैं आप झाड़ू पोछे करती हूँ घर के, घर का? वो भी अच्छा, अभी मिला है मेरे को, इतने दिन टाइमों से नहीं मिला था, अभी मेरे को 1 महीना भी अभी होगा, काम मेरे को अभी मिला है। अब यही किराए वाले बोलते घर खाली कर, मैं कहाँ से जाऊँगी, मेरे किराया ही नहीं है, 6-5 महीने किराया चढ़ा हुआ है मेरा,
और वो ये कितना रे होगा। बिजली का बिल भी यही भरे हुए, हाँ नहीं भरे हुए खाली यही भरे हुए हमारे पास, जहरे, कोई रोजगार नहीं है ना, रोजगार नहीं है कहाँ से भरेंगे। कहाँ से करें इंसान। अच्छा माइंड नहीं करना, मुझे वैसे एक बात बताना, लाइक आप अपने वालदैन, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो घर में आप अपने, कभी आपने सारे काम किए घर के, सख्तियाँ तब भी देखी आपने, शादी के नहीं बाद ज्यादा नहीं देखी? शादी के बाद तो अभी ज्यादा देखिए, फिर शादी से पहले भी हम काम पे जाते थे, मेरी अम्मी लोग अच्छा नहीं कर सकते थे, मेरे अबू फारिस के मरीज थे तो फिर हम भी होते थे अम्मी का सहारा, तो हमने पहले भी काम किया फिर सही थे माशाल्लाह, फिर अभी माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि हम लोग खाने के लिए भी बैठे होते हैं। वही तो आपने मुझे बताया, मुझे पड़ोस से आकर मेरे आज बच्चे ना, खाना। मेरे बच्चे ये सवाल करते हैं मम्मी हमको 10 रुपये दो हम चीज ले, हमने कहाँ से दो बच्चों को 10 रुपये, वो भी मैं नहीं दे सकती अपने बच्चों को। बाकी मैं, आप देखिए अगर बच्चे जो होते हैं बाहर खेलते हैं, चीज खरीदते हैं, तो वो भी अगर इनसे मांगते हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं होते कि मैं बच्चों को दे सकूं कि वो ले लें। इनके जो बेटे हैं मोहम्मद जुहान, उनको हमने थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया है क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ा सा तंग हो रहे थे। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि इनके हस्बैंड जो है वो खाना बनाना जानते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे या किसी को घर में ज़रूरत होती है, आजकल लोग रखते हैं खाना बनाने के लिए, आप खुद भी काम कर रही हो, और ये जो बेटा है इनका जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी, ये बच्चा जो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, इसे सिर्फ इलाज की ज़रूरत है और उसके लिए चाहिए होता है पैसा। सो आपका मोबाइल नंबर हम चलाएंगे टीवी स्क्रीन पे, आपके पास है मोबाइल, आपका अपना नंबर है ना, आपने 3 को लिखवाना है, जब ये एपिसोड चलेगा तो आपका नंबर चलेगा साथ स्क्रीन पे, और मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप इनकी हेल्प, इनको सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे आके बैठना जो है ना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। आप समझ लें कि ये किसी इंसान की बस होगी ना तो ही वो यहाँ पे आएगा और आपसे अपनी दिल की बात या अपनी स्टोरी जो है वो शेयर करेगा। तो मैं तो समझती हूँ इन लोगों के बहुत बड़े दिल हैं, क्योंकि हम तो अपनी छोटी छोटी बातें छुपा रहे होते हैं, नहीं बता रहे होते हैं, मगर ये कितने खुले दिल से बताते हैं कि हाँ ठीक है हमने खाना नहीं खाया। और किस तरह का दौर हो गया ये कि अगर हमें पता चले भी कि किसी ने खाना नहीं खाया तो हम बहुत आसान समझते हैं, अच्छा खाना नहीं खाया, गलत बात है ये। पानी पिलाना, खाना बहुत ज़्यादा सवाब है आपको पता है, और इनके घर का जो रेंट है वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पे नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं है, ज़्यादा बढ़ गया रेंट भी, बच्चों की पढ़ाई भी है और बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। ये मेरे तो बच्चे पढ़ते नहीं है, मैं पढ़ा ही नहीं सकती हूँ, डाला ही नहीं है, मैंने स्कूल में डाला था फिर निकाल लिया था, मेरे बच्चे कोई भी पढ़ते मैं नहीं। यही कह रही हूँ कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से, अगर आप हमारी बहन को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली किसी भी तरह से, सो प्लीज़ आप कीजिए, क्योंकि रीजंस बहुत सारे हैं, चाहे आप इनके बेटे के लिए करें, हस्बैंड के लिए करें, बेटियों के लिए करें, इनकी पढ़ाई के लिए करें। सो ये जो नंबर इनका होगा स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इन्हें डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी आप चाहें। ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब रमज़ान आपको जो है, मैं दुआ करती हूँ कि इस रमज़ान अल्लाह पाक हम सबको अब खैर आफियत में रखें, आमीन जी इंशाल्लाह। और हम आपके लिए राशन लेके आए हैं गिफ्ट के तौर पे, प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से, उम्मीद करती हूँ कि आप उसे कबूल करेंगी, और हम जी ईद का जोड़ा भी लेके आए हैं आपके लिए। साहब मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।